वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। आज हम 15 दिन के बाद इस मशीन का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15 दिन में इस मशीन ने कैसा परफॉर्म करा है, ठीक है। चलो देखिए, आज मैं फिर से कपड़े धोने वाला हूँ, ठीक है। और चलो पहले तो बात करते हैं, फिर से एक बार दोबारा बताता हूँ मैं बिल्ड क्वालिटी है तो है कैसी। अगर देखा जाए देखो, पैसे के हिसाब से ठीक है। अब देखो जैसे ये प्लास्टिक है, कुछ खास क्वालिटी का नहीं है। ये देखो, चलो कपड़े धो के बताता हूँ तुमको मैं कैसे है भाई। यार और सुनो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी और फोन्स वगैरह, लैपटॉप, टीवी, और आप पहले इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बाकी मशीन बहुत बढ़िया है, 15 दिन में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करी। लेकिन एक बार और कपड़े धो के दिखाता हूँ, ऑन करके एक वाला लेवल है इसका, लेवल 10 इसका मैक्सिमम है, ठीक है। और ये इसका ये देखो वॉश रिंस पे, और ये स्टैंडर्ड पे धो लो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नंबर इसका स्टैंडर्ड है, और बहुत जल्दी धोने से 6 नंबर पर पहुँचा दो, ठीक है। और मेरी आवाज़ गूंज रही होगी, मैं अभी वॉशरूम में खड़ा हूँ। ये हमने अपने वॉशरूम में रखी हुई है मशीन। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको, क्योंकि तो यहाँ से पानी चालू कर, उसने पानी लेना स्टार्ट कर दिया। और चलो रुको, लो भाई कपड़े गए हैं धुल। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। अरे ये पता ही नहीं भाई कब डल गया, साथ में ध्यान ही नहीं दिया मैंने। जूने डल गया साथ में, सूख तो गए अच्छी तरह, ठीक है। और भाई हाँ भाई, क्या चाहिए क्या चाहिए? हाँ कपड़े अच्छी तरह धुल गए और सूख भी गए। और ये रेस की मैजिक लेडी है, ये देखो। इसमें आपके कपड़े के मतलब ये ऊपर जोक जाते हैं वो चीजें। चलो एक चीज और, अभी लास्ट तक देखो जरा, रुको रुको रुको, लास्ट में जाने से पहले एक बात और। अगर जैसे कपड़े धुलने के बाद, तो एक काम करा करो, मशीन के ना बाहर कपड़ा मार लिया करो। वैसे तो प्लास्टिक का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी साफ रहेगी। एक चीज और, ये लो MI 11X वर्सेस iPhone XR, इसकी वीडियो आएगी, जल्दी सब्सक्राइब कर दो।